बहुत बड़ी जीत मिली है, हिंदू पक्ष की अर्जी को निचली अदालत ने अलाउ कर दिया है। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु, एक बड़ी जीत। जी, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोगों ने जो मांग की थी कि इस पूरे परिसर का ASI द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए, आज उस प्रार्थना पत्र को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने स्वीकार कर लिया है। और कोर्ट ने यही कहा है कि वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी जितना पूरा परिसर है उसकी ASI द्वारा जांच कराई जाए। इसके मतलब क्या है, इस ऑर्डर का मायने क्या होंगे? विष्णु, कहां कहां? इस ऑर्डर के मायने ये हैं कि जो बैरिकेडिंग है, जो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 पे जो बैरिकेडेड एरिया है, उस पूरे परिसर में ASI द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। सिर्फ वजू टैंक को छोड़ के बाकी जितना पूरा परिसर है वो ASI उसमें अपना सर्वे करेगा, जिसमें सेंट्रल गुम्बद के नीचे शिखर है, वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा, नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करनी। बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो तीन गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया था। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहां पे हॉलो साउंड आ रही है, धब-धब की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, तो वहां पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदि विशेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है, GPR सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए, रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा, पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब ASI का कमीशन हुआ था, जब सॉरी एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था, तो ASI का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है ASI की वो कोर्ट। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक किस सर्वे को? अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे ASI की परिधि में, तो ये अब ASI को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में ASI का फैसला हुआ था तो ASI की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लग गए थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था, तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ CPC में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल, कैविएट दाखिल करेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, विष्णु शंकर जैन ये कह रहे थे कि इस ऑर्डर के खिलाफ अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है तो हम कैविएट दाखिल करेंगे, लेकिन विष्णु का कहना है हिंदू पक्ष की बड़ी जीत यहाँ पर मिली है, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे की उन्होंने इजाजत मांगी थी ASI सर्वे की, वो अलाउ हो गई है। जी ठीक है आशीष, देखिए अब लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पक्ष में सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हम अगर पिछली सुनवाई की भी बात करें तो, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से आगे क्या एक्शन रहता है ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है कि अब वो आगे क्या करेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, तय मान के चलिए ये बट ऑब्वियस है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे, क्योंकि इससे पहले जो वजू खाने वाली जो एरिया था जिसमें इन लोगों ने उसकी साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी, उस वाले मामले में भी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख उन लोगों ने किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष उस समय गया था, क्योंकि बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो अलाउ नहीं किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील को अलाउ कर दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ गया था। बहरहाल उस आदेश पर अभी रोक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस मामले में भी कमोबेश ऐसा ही होने वाला है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम पहले हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जीत हिंदू पक्ष को यहाँ पे मिली है कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर सर्वे की जो इजाजत है, जिस साइंटिफिक सर्वे
सर्वे की ये बार बार बात कर रहे थे उसकी इजाजत दे दी है, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है चाहे वो पश्चिमी दीवार हो जहां पर कई सनातन संस्कृति की निशानियां मिली हैं, इसके अलावा हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो तीन गुंबद हैं, अगर आपने ज्ञानवापी परिसर को देखा होगा तो तीन बड़े बड़े गुंबद हैं, उन तीन गुंबदों के नीचे शिवलिंग के जैसा आकार का इन लोगों ने दावा किया है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी परिसर में कई सारे त्रिशूल के निशान मिले हैं, शंख के निशान मिले हैं, या फिर सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कई सारी चीजें मिली हैं, हिंदू पक्ष का यह कहना है। और ऐसे में इन लोगों ने साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। इनका साफ यह कहना है ये पहले हिंदू मंदिर था, उसे हटाकर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया और हिंदू पक्ष को आज बनारस की निचली अदालत से बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल आशीष, अब ये जो रिपोर्ट तय की गई है, अब जो फैसला आएगा और पूरी डिटेलिंग जब सामने आएगी उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से देखिए पांच बड़े दावे किए जा रहे हैं। अभी तक अगर हम अलग अलग फेजेस पर बात करें तो कितने फेजेस पर चर्चा हो चुकी है और अब कितने फेजेस आपको लग रहा है कि बाकी हैं? नहीं देखिए, अब अभी ये जो पूरा मामला है ये साइंटिफिक सर्वे की पूरी बात थी जो हिंदू पक्ष ने कहा था। हिंदू पक्ष ये चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराया जाए वजू खाने के हिस्से को छोड़कर, क्योंकि वजू खाने में जो कथित शिवलिंग मिला है वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दो अलग अलग अर्जियां इनकी तरफ से बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल की गई थी। वजू खाने वाले हिस्से को लेकर अलग अर्जी थी जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया, मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को अलाउ किया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ गया, वो अभी पेंडिंग है। दूसरी जो अर्जी उनकी तरफ से दाखिल की गई थी कि पूरे ज्ञानवापी जो परिसर है उसका सर्वे कराने की मांग यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी, जिसे आज कोर्ट ने अलाउ कर दिया। यानी अगर देखा जाए, अगर अयोध्या से इस पूरे मामले की तुलना की जाए तो 2002 में जब अयोध्या वाले मामले में सर्वे की इजाजत हुई थी, एएसआई सर्वे की इजाजत हुई थी, तो उसमें 3 सालों का वक्त लगा, लेकिन वो एरिया जो था अयोध्या वाले में राम जन्मभूमि वाला, वो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, ये एरिया उतना बड़ा नहीं है। तो ऐसे में समय कम लग सकता है, लेकिन हाँ समय लगेगा ये तय है। बिल्कुल, ये अब इजाजत मिल चुकी है और इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें आशीष, तो अब आगे किस तरह से रहने वाला है और कितना समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो लॉयर हैं उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी चीजें तय नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो अब आगे आने वाले समय में कब तक ये चीजें क्लियर होती दिख रही हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज जो कि कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ किया है, इसका मतलब यह है कि जब अगली सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में कोर्ट रूपरेखा तय होगा करेगा, यानी एएसआई सर्वे की रूपरेखा क्या होगी, साइंटिफिक सर्वे की रूपरेखा क्या होगी, कितने सदस्य होंगे, एएसआई से पूछा जाएगा इस मामले में कि आपको कितने लोगों की जरूरत होगी, किस तरह की इक्विपमेंट लगेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है हम लोगों के लिए है और हम लोग बधाई जो है तो पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है, स्ट्रक्चर एज नेचर उस जो है परिसर को जानने के लिए एसआई को उन्होंने आदेश कर दिया है और बिना डैमेज किए जो है ये आप इसको जो है जांच आप करिए। अब अगली तारीख अभी पता कर लें, हम लोग भी अभी पूरा कोर्ट में क्या हुआ आज बताइए। कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था एएसआई जांच का स्ट्रक्चर एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था, खुशी की बात है आज आज बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हम हाई कोर्ट चले जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक